नमस्कार दोस्तों, मुझे बताते हुए ये खुशी महसूस हो रही है कि अब मेरी 6 बॉलीवुड फिल्म यानी कि 6ठी बॉलीवुड फिल्म कुछ खट्टा हो जाए आपके नज़दीकी सिनेमाघर में रिलीज हो चुकी है। तो दोस्तों, आप सभी लोग समय निकाल के ज़रूर इस फिल्म को देखिएगा। और इस फिल्म में मैंने जो किरदार किया है वो एक इंस्पेक्टर का किया है। तो इस बार इंस्पेक्टर बनके फिर दोबारा आपके दिलों की खुशी को और आपके प्रेम को मैं दोबारा लेने के लिए आ गया हूँ। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने अपना प्यार मुझे पहले की तरह बनाए रखा है, उसी तरीके से इस बार भी अपने प्यार बनाए रखिएगा और इस फिल्म को ज़रूर देखने जाएं। दोस्तों, क्योंकि ये मेरी 6ठी फिल्म है, इससे पहले मैं 5 बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुका हूँ। और अभी हाल ही में जो मेरी 5वीं बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी वो थी ड्रीम गर्ल 2, जिसे आप लोग सिनेमाघर में देखने गए थे। आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, दुलार दिया और अपना सम्मान दिया। इस प्यार, दुलार और सम्मान के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोस्तों, जितने भी मैंने शॉर्ट फिल्म किए हैं, वेब सीरीज़ किए हैं, और उनको आप जिस तरीके से आप प्यार देते जा रहे हैं, इसी तरीके से प्यार देते रहिए और हमेशा प्यार बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, आप जाइए अपने नज़दीकी सिनेमाघर में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ये फिल्म वर्ल्ड वाइज रिलीज हुई है, ऑल ओवर इंडिया रिलीज हुई है। आप किसी भी नज़दीकी सिनेमाघर में, PVR में, मल्टीप्लेक्स में, कहीं भी इस फिल्म को देख सकते हैं और अपने इस चहीते कलाकार यानी कि राजा राणा को एक इंस्पेक्टर के किरदार में देखकर आप खुशी और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं सिनेमा स्क्रीन पर। तो पहुंचिए, कुछ खट्टा हो जाए। और हाँ दोस्तों, एक बात और, इस फिल्म में मैंने जो काम किया है वो अनुपम खेर, गुरु रंधावा, इला अरुण जी और साई माजिकर जी के साथ मैंने काम किया हुआ है, जिनके साथ मैंने काम करके बड़ी खुशी का अनुभव किया है। क्योंकि ये बड़े बड़े दिग्गज कलाकार और हमारे गुरु रंधावा जी एक म्यूजिशियन हैं, एक अच्छे सिंगर हैं। उन्होंने जिस तरीके से ये काम किया है और अपनी म्यूजिक गाना भी दिया हुआ है, उनके साथ जब मैं सीनियर एक्टर के साथ मैंने काम किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे फ़ख्र महसूस हुआ। और मेरी ज़िंदगी का सपना था कि मैं एक अच्छे कलाकारों के साथ काम करूँ, जो मैं धीरे धीरे एक पायदान पर चलता जा रहा हूँ और आप लोगों को अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाता जा रहा हूँ। दोस्तों, ये विश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं आगे भी आने वाली फिल्मों में नज़र आने वाला हूँ। दोस्तों, मेरी आगे आने वाली फिल्म है कोई नहीं है मेरा, शांति क्रांति 2, चाय सी मोहब्बत। और अभी हाल ही में मेरी फिल्म शूट हुई है जिला हाथरस और मिशन ओवर। तो इन फिल्मों को देखने के लिए, अपना प्यार बनाए रखने के लिए हमेशा बने रहिए और हमेशा अपना प्यार मेरे पे बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं 70mm की स्क्रीन सिनेमा घर में, अभी कुछ खट्टा हो जाए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।